दिल्ली का मैं आपका खैर मकदम है, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल। हम इस वक्त मौजूद है जनूबी कश्मीर ज़िला अनंतनाग के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में। आप खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पे आज सुबह से ही जो घोड़े वाले हैं लोकल पोनी एसोसिएशन के जो मेंबर है वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं ताकि इन्हें आज रैली निकालनी है, तिरंगा रैली निकालनी है जो पोनी स्टैंड नंबर 1 से निकलेगी और इख्तिताम पज़ीर होगी मामलेश्वर टेम्पल पर। इसकी सदारत तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन करेंगे और साथ साथ में होंगे जो यहाँ का लोकल पोनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वहीद अहमद और रूप अहमद जो मैनेजर है यहाँ का। हम आपको बता दें कि पहलगाम अभी जहाँ पे तैयारियाँ हो रही है 15 अगस्त को लेकर दुल्हन की तरफ सजाया जा रहा है पहलगाम को। और ये भी आपको बताते चले कि यहाँ पे जो वहीद यहाँ पे जो घोड़े वाले हैं इनका सबों का कहना है कि इस बार जो तिरंगा होगा वो हर एक घर के पर होगा, क्योंकि हमारा जो डिपेंड है वो टूरिज्म पर है। इस बार हमें यहाँ पे सयाहती सीज़न जो है वो पीक पर मिला है और आगे भी यही उम्मीद रहेगी कि आगे भी यहाँ पे सयाह ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और हमारी रोज़ी जो रोज़ी इन पर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और ये भी इसीलिए इनका कहना है कि इस बार जो तिरंगा होगा वो हर एक घोड़े वाले के मकान पर होगा, क्योंकि हम खुश नज़र आ रहे हैं इस बार, क्योंकि करीबन 7 महीनों में 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा सयाहों ने पहलगाम का रुख किया है। इसलिए पहलगाम के जो पोनी एसोसिएशन है ये खुश नज़र आ रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को लेके इन्होंने आज एक तिरंगा रैली निकाली है। आइए हम आपको ले चलते हैं तिरंगा रैली में। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है अर्जी दीवाने की, जहां बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, कि हम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं खासकर यहाँ पहलगाम सब डिवीजन में बड़े फरवर और झील के साथ मनाया जा रहा है। आज की जो यात्रा थी या रैली थी जो आपने खुद देखा, हमें जहां लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें खासकर जो हमारे पोनी वालाज है जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है यहां के टूरिज्म इंडस्ट्री के, तो जो हर एक किस्म की सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर खासकर पोनी सर्विस के रिलेटेड। तो इसी तरह जैसे मेरे राइट साइड में यहाँ के प्रेसिडेंट है सोमो स्टैंड दिस पोनी दिस यूनियन मिस्टर वहीद अहमद, आज हमने ये पूरा मेन मार्केट पहलगाम पीडी और पार्किंग से लेकर मामलेश्वर टेंपल तक ये निकाली है रैली। तो इट इज़ ऑल द बैनर ऑफ हरगर तिरंगा एंड द आज़ादी का अमृत महोत्सव। सर ये इन दिनों में जारी रहेगी 15 अगस्त तक? हाँ हाँ डेफिनेटली इट विल बी कंटिन्यू अप टू द 15th of August, द कल्मिनेशन विल बी अप टू 15th of August। सर क्या तैयारी की गई है आपकी तरफ से यहाँ? एडवर्टाइजिंग भी तैयारी है, चाहे यहाँ के पोनी वालाज है, चाहे यहाँ के शॉपकीपर्स हैं, चाहे यहाँ के रेस्टोरेंट वाले हैं, चाहे यहाँ के क्लियर्स है, यहाँ के लोग, चाहे के स्कूल्स है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है या अदर डिपार्टमेंट्स है, एवरी डिपार्टमेंट इज पार्टिसिपेटिंग विद 100% जील एंड एनर्जी एंड होपफुली इट विल कंक्लूड लॉजिकली ऑन 15th of August। वहीद साहब आज खुशी है, हमें मसरत है कि हमने उठाया है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हमारे मुल्क की शान है। तो वहीद साहब क्या आपने जो भी आपके घोड़े वाले हैं यहाँ पे करीबन 15 के घोड़े वाले आपके स्टैंड में जो चल रहे हैं, क्या आपने उन सबों को बता के रखा है कि 15 के दिन आपको हर घर में तिरंगा रहना? उनके लिए पता है, अनाउंस हुआ है हमारी तरफ से भी, उनके मैसेज है कि 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लहराना है। तो आपने 15 अगस्त के दिन हम लहराएंगे, हमारी तरफ से यही है कि तिरंगा हमारी शान, हर किसी को लहराना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुल्क की शान है, हर किसी को लहराने की ज़रूरत है सैयद की वजह से। और हमें सैयद से बताया, हमारा जो रोज़गार है सैयद से वाबस्ता है, हमारा रोज़गार जो है सैयद के ऊपर चलता है और हम सबको ये लगी ज़रूरत है। बिल्कुल, पहले हम लोगों के हाथ में तिरंगा नहीं रहता था तो उसी सबको लगता था कि पराया है, हमारे हाथ में तिरंगा है। तो यही मैसेज कि सब लोग लहराइए, ये हम लोगों की शान, हम लोगों की जान, आप लहराइए। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल कि आप खुशी खुशी है, इसमें कोई वेर मत रखिए, बिल्कुल पूरे पहलगाम में जी हर एक घर में, हर एक घर में। शुक्रिया।